बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सी बकरियां थी। वह बकरियों को पालता था और वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। एक बार उसको एक शेर का बच्चा मिला। उसने शेर के बच्चे को पाल लिया। धीरे धीरे शेर बड़ा हुआ। शेर किसान को तो कुछ नहीं करता था, लेकिन वह बकरियों का दुश्मन था। किसान ने एक दिन सोचा कि वह अपने शेर को एक चिड़ियाघर में छोड़ आएगा, जिससे कि उसकी देखभाल भी हो जाएगी और किसी शिकारी के हाथों मरने का डर भी नहीं रहेगा। साथ ही उसको कुछ पैसों की आवश्यकता थी, तो उसे एक बकरी भी बेचनी थी। अब वह किसान अपने शेर और बकरी को लेकर बाजार की ओर जाने लगा, ताकि साथ में दोनों कार्य हो जाए। किसान के सामने शेर बकरी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। किसान ने साथ में कुछ घास भी रख ली बकरी के लिए। अब बाजार जाने के लिए तो बीच में नदी पड़ती थी और वहाँ एक ही नाव थी, जिसमें केवल दो ही वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को इस पार से उस पार ले जाया जा सकता था। किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वह शेर को ले जाता तो बकरी घास खा जाती, और अगर वह घास ले जाता तो शेर बकरी को खा जाता। बहुत देर सोचने के बाद उसे एक युक्ति सूझी। वह पहले बकरी को अपने साथ ले गया और उसे उस पार छोड़ आया। फिर वह नदी के इस पार आ गया। इस बार वह शेर को नाव में बिठाकर नदी के उस पार ले गया, लेकिन आते वक्त बकरी को वापस ले आया। फिर वह बकरी को छोड़कर घास को शेर के पास ले गया और अंत में वापस आकर बकरी को भी उस पार ले गया। इस प्रकार उसने अपनी सूझबूझ से तीनों को नदी पार कराया और फिर उन्हें बाजार ले गया। सीख: थोड़ी सी सूझबूझ और बुद्धिमानी से हर कार्य को संभव बनाया जा सकता है।